हम जानते हैं कि तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो जय। और अगर उन्हें जल्द ही उस आत्मा की कैद से आजाद ना कराया गया तो उनकी जान चली जाएगी जय। तो आखिर महलों में पैदा हुए लोगों को सड़क किनारे भेड़ बकरी चराने वाले मामूली गडेरे की जरूरत पड़ी गई। हम जानते हैं कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन उसकी सजा एक बेगुनाह को क्यों दे रहे हो जय? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमारे पति को बचा लो, प्लीज वीरसा को बचा लो जय। तुम्हारा प्यार भले ही मजाक था शिवांगी, लेकिन मेरी नफरत मजाक नहीं है। जब तुमने मेरे प्यार की परवाह नहीं की तो मैं तुम्हारे प्यार की परवाह क्यों करूं? हमने सुना है कि तुमने ये विद्या अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए सीखी है। वीरसा भी उन्हीं दूसरे लोगों में से है जिन्हें आज तुम्हारी और तुम्हारी विद्या की जरूरत है। हमारे बीच जो भी हुआ उसकी सजा तुम किसी और को कैसे दे सकते हो जय? सोचो, आज अगर हमारी जगह कोई और लड़की तुम्हारे पास अपने पति की जिंदगी की भीख मांगने आई होती तो तुम क्या करते जय? क्या तुम उसे भी ऐसे ही निराश वापस भेज देते? अगर ये बात है तो ठीक है, मैं बाकी लोगों के लिए ये काम बिना पैसे लिए करता हूं, लेकिन तुम ऊंचे महलों वालों से मैं इस काम की ऊंची कीमत लूंगा। हमारे लिए वीरसा की जान से कीमती कुछ भी नहीं है, बस आप हमारे साथ लंदन आ जाओ और उनकी जान बचा लो। केसर मां, कैसे है वो? केसर मां, वो ठीक तो है ना? आपने अंदर जाना छुट्टी वाल को नहीं, आपने जाना जो मैंने पूरे महीने हर रोज थोड़ा थोड़ा देखा है। आप अचानक कैसे देख पाओगे? नहीं जाना, अंदर अंदर नहीं जाना। अब नहीं देख पाओगी वर्षा को, नहीं देख पा।
अनुष्टांग अंगनम स्वास्तिक मुक्ति कंदनम विपरीत काले बंधनम। तुमने मुझे यहां लाके कोई गलती नहीं की शिवांगी, इस आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये वो डायन है जो वीरसा की उम्र भी चुरा रही है और ताकत भी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का वक्त है। तो फिर कुछ करो जय, कुछ करो, जो पूजा करनी है जो उपाय करना है करो, लेकिन प्लीज प्लीज इनको बचा लो जय, प्लीज इनको बचा लो। जरूर बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए इन्हें यहां से घर ले जाना होगा। अजीब बात है, तुम्हारे पति है, तुम्हारा फैसला है, तुम उनका इलाज यहां कराओ या किसी और जगह, ये डॉक्टर कौन होते हैं मना करने वाले? हमने भी उनसे यही कहा, पर डॉक्टर ने कहा कि वो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और यही बात मुझे उनको लिख के भी देनी होगी। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आज नहीं है लेकिन कल तो खड़ी हो सकती है। भगवान ना करे अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे ही कसूरवार समझेंगे ना। एक रास्ता है, अच्छी और बुरी आत्मा में यही फर्क होता है। बुरी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी शारीरिक सुख के बारे में सोचना बंद नहीं करती, खास करके जीभ के स्वाद को। इसलिए दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करने के लिए कभी कभी शराब और मांस का इस्तेमाल करना पड़ता है। Mrs. Veer, we are educated people living in the age of science and medical revolution. I'm shocked that you still believe in black magic. What you're suggesting is quite frankly not only nonsensical, it's ridiculous. Please, doctor, please. You promised me 5 minutes. 5 minutes is all I'm asking you for. Please, doctor. If you insist. What is in that piece of cloth? You will find out, doctor. Please be patient. अब इनसे कहो हमारे साथ कुंवर साहब के कमरे में चले, वहां जो होगा उसे देख के इन्हें मेरी बात पे यकीन हो जाएगा।